हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे दोस्तों जेनोवास फुल नोनी सिरप के बारे में या नोनी जूस के बारे में दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों में यूज़ में लाई जाती है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए पैकिंग दोस्तों बहुत बढ़िया है। इसका जो सिरप है वो भी दिखा देते हैं दोस्तों। ये इसमें विजुलेट निकलता है दोस्तों और ये सिरप है। ये देखिए ये सिरप है। इसकी जो MRP है 750 रुपये है दोस्तों। इसमें जो दवा है 500 ml है और दोस्तों ये आयुर्वेदिक और हर्बल है। इसमें जो विजुलेट निकलता है दोस्तों ये हिंदी में है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो दोस्तों नोनी का फल है, ये नोनी के फल से ही इसका रस निकाला जाता है। यह जो है दोस्तों अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के देशों में तो पाया जाता है और भारत में भी यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है दोस्तों। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मोरिंडा साइट्रिफोलिया है दोस्तों। और हजारों सालों से नोनी का जो है यूज़ जो है दोस्तों स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। ये नोनी जो है दोस्तों शरीर को ऊर्जावान बनाने का काम करती है और शरीर की कमजोरी भी दूर करने का काम करती है दोस्तों। और यह नोनी का जो फल है दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है। नोनी का जो जूस है दोस्तों पारंपरिक इलाज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। नोनी में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह जो है शारीरिक और मानसिक बीमारी को रोकने का काम करता है दोस्तों, या सुधार कार्य करने का काम करता है। इसके रोज़ाना सेवन से दोस्तों आपकी इम्यूनिटी, दिल और ब्लड शुगर का लेवल सही बना रहता है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या मल्टी विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। जो नोनी में विटामिन पाए जाते हैं वो हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और दोस्तों खनिज तत्व भी पाए जाते हैं इसमें, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोह और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। और नोनी के रस में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और एंटीफंगल और जीवाणुरोधी और सूजनरोधी गुण भी होते हैं दोस्तों। अब इसमें जो आयुर्वेदिक औषधि मिली हुई है दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। जो आयुर्वेदिक औषधि है दोस्तों एलोवेरा है दोस्तों पहली। यह जो है दोस्तों सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्किन को ये हेल्दी रखती है दोस्तों और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह जो है वजन कम करने का भी काम करती है। अब जानते हैं दोस्तों अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा जो है दोस्तों दिल से संबंधित बीमारियों को खतरे को कम करने का काम करता है। यह जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को दोस्तों घटाने का काम करता है। अब जानते हैं आंवले के बारे में दोस्तों। जो आंवला है खून को साफ करती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम करती है। अब जानते हैं ब्रह्मी के बारे में दोस्तों। ब्रह्मी जो है बुद्धिवर्धक, पित्तनाशक और मजबूत याददाश्त को मजबूत करने का काम करती है। और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करती है दोस्तों। अब जानते हैं रसायन चूर्ण के बारे में दोस्तों। यह जो है वात रोग, पित्त रोग और स्किन की एलर्जी से बचाने का काम करता है। अब जानते हैं दोस्तों ग्रेप्स के बारे में। ग्रेप्स जो है कैंसर जैसी सेल को बढ़ने से रोकने का काम करता है दोस्तों। यह जो है कब्ज को भी ठीक करता है, यानी अगर कब्ज ज़्यादा बन रही है तो कब्ज को भी ठीक करता है। और आंखों की रोशनी के लिए भी ये फ़ायदेमंद माना जाता है। अब जानते हैं दोस्तों इमली के बारे में। इमली जो है दोस्तों भूख बढ़ाने का काम करती है, कब्ज को ठीक करती है, वजन भी कम करने का यह काम करती है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों त्री काटू के बारे में। यह जो है दोस्तों अस्थमा, मोटापा और खांसी और श्वसन रोग जैसी बीमारियों से बचाने का काम करता है। अब जानते हैं दोस्तों शतावरी के बारे में। शतावरी जो है दोस्तों सेक्सुअल स्टेमिना में वृद्धि करती है दोस्तों, कैंसर रोग से बचाती है, प्रेगनेंसी में मददगार है दोस्तों शतावरी, और माइग्रेन जैसी बीमारी से भी बचाती है दोस्तों, UTI इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करती है। अब जानते हैं दोस्तों गोखरू के बारे में। गोखरू जो है दोस्तों पुरुषों के प्रजनन अंगों में मजबूती लाता है और पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को भी दूर करने का काम करता है। तो ये इसकी औषधियाँ होंगी दोस्तों। इसमें शिलाजीत भी पाया जाता है दोस्तों। शिलाजीत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये औषधि हो गई दोस्तों। अब इसका उपयोग जान लेते हैं, उपयोग कब करना चाहिए दोस्तों। आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित लीवर में दोस्तों, अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा हो या लीवर को दोस्तों आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक नहीं करना है दोस्तों। और दिल को स्वस्थ रखने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ब्लड शुगर
लेवल अगर आपका सही नहीं लगता है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। गैस की अगर दिक्कत बनी रहती है दोस्तों या कब्ज आपको रहती है हमेशा, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से दोस्तों। जल्दी घाव भरने में दोस्तों, अगर घाव नहीं भर रहा है तो जल्दी घाव भरने में इसका उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ दिमाग के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, और कैंसर जैसी बीमारी को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। और यह जो है मोटापा कम करने का भी काम करता है दोस्तों। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अब जानते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं अभी तक देखने को मिला है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधियों से बनाया गया है दोस्तों। इसके अब इसकी सावधानी जान लेते हैं, इसको किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए दोस्तों। जिसका वजन कम है दोस्तों, बिल्कुल ही लो वजन है, उनको नहीं लेना चाहिए दोस्तों, उनको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए दोस्तों। और जिनको किडनी की समस्या है उनको भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों, और शुगर पेशेंट को भी नहीं लेना है दोस्तों। और दोस्तों जिसको इस ड्रग से एलर्जी है, नोनी ड्रग से एलर्जी है या नोनी के फल से एलर्जी है, उनको भी ये दवा नहीं लेना चाहिए। तो इसके दोस्तों सावधानियाँ हो गई। अब इसका डोज के बारे में बात कर लेता हूँ। जिसका डोज है दोस्तों, सुबह शाम 5-5 ml ले सकते हैं। इसको खाली पेट लेना होता है दोस्तों, खाना खाने के पहले लीजिए आप इसको 5 ml, और शाम को भी खाना खाने के पहले। तो ये खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों नोनी सिरप के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।